जय श्री राम दोस्तों। लगभग 9 बज गए हैं, सुबह 7 बजे से जगा तो हुआ हूँ लेकिन उठने का मन ही नहीं कर रहा। और लेकिन एक ख़ास बात यह है कि आज मौसम बहुत बढ़िया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ना फॉग है, ना हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, धूप निकल चुका है, तो आज का मौसम तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा ही एक वीक रहा तो मुझे तो लगता है ठंड भी ख़त्म ही हो जाएगी। मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है, तो चलो रेडी हो जाते हैं। अब मैं रेडी हो गया, जाना है बाहर, तो चलो मैं जल्दी से अपना काम निपटा के आऊँगा। अब हम जा रहे हैं घर की ओर और थोड़ी आराम करेंगे आज, क्योंकि बहुत थका थका सा फील हो रहा है। एक और काम था बैंक का, तो मैं बैंक आ गया और मुझे समझ में नहीं आता इनका आखिर इन लोगों का सिस्टम हमेशा ख़राब ही क्यों रहता है। निराश होकर जाना पड़ रहा है मुझे वापस घर, मुझे फिर दोबारा आना पड़ेगा। मैं सो गया था आके, लगभग शाम के 4 बज रहे हैं और बहुत टायर्ड फील हो रहा है, तबीयत भी सही नहीं लग रहा सुबह से। तो मैं भी कुछ खाने जा रहा हूँ क्योंकि सुबह से भूखा था, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा तबीयत सही तो नहीं लग रहा। देखते हैं फिर थोड़ी देर में कैसा फील होता है, होप सो बढ़िया फील हो। लगभग 6:30 हो रहे हैं और कुछ बाज़ार सामान लाने जाना था, तो चलते हैं। मैं भी चला मार्केट, मुझे लेना था दूध, तो मैं आ चुका हूँ दूध वाले दुकान पे। दूध लेके वापस घर जा ही रहा था, किसी ने अपना भैंस मार्केट में छोड़ दिया, और मुझे क्या, मुझे तो घर जाना है। मैं घर जा रहा था तो देखा लगभग 7 बज रहे हैं और ये बच्चे अभी तक गली में खेल रहे हैं और लट्टू नचा रहे हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का ज़रा सा भी टेंशन ही नहीं है। बहुत थका थका फील हो रहा था, तो मैंने बनाया अपना एनर्जी ड्रिंक, और एनर्जी ड्रिंक के साथ आज हम खाएंगे टोस्ट, क्योंकि भूख भी लग रही है मुझे। इसके बाद मैं करूँगा आराम। और आज फिर से डिनर में हम लोग बना रहे हैं ढकनेसर, और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये मिट्टी के बर्तन में बनता है, ये चावल का घोल से मिट्टी के बर्तन में बनता है, और इससे गुड़ वाले दूध में मिला के खाया जाता है। इतना स्वादिष्ट बनता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है ये। जब भी बनता है मैं 2-4 ऐसा ही खा जाता हूँ। कभी आप भी बना के टेस्ट जरूर करना। आज का दिन और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नया दिन और नया ब्लॉग।